महाराष्ट्र सरकार वालों सिखां दे मामले विच दखल दिंदियां श्री हजूर साहिब एक्ट विच सोध कीती गई सी, जिसे हुण सरकार ने अपना फैसला होल्ड ते पा दिता है। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली इकाई दे आगू मनजीत सिंह जीके ने जानकारी दिंदियां दस्सिया कि उन्हां वालों महाराष्ट्र सरकार दे इस फैसले ते मुड़ विचार करन लई पत्र सौंपिया गया सी ते ध्यान दवाया गया सी कि इस फैसले ने सिखां दीआं भावनावां नूं ठेस पहुँचाई है। उन्हां कहा कि इस तों बाद महाराष्ट्र सरकार वालों तख्त श्री हजूर साहिब एक्ट सोध मामले विच अपने कदम पिछे खिंचण नाल संगतां दी जित होई है। फिलहाल इस फैसले नूं होल्ड ते रख्या गया है ते विश्वास दवाया गया है कि अगे सिख मामलियां ते सिखां तों पहल दे आधार ते राय लई जावेगी। पिछले कई दिनों तो आपां सुणदे पए सीगे कि महाराष्ट्र की सरकार ने एक कैबिनेट दे विच मता पास किया और डायरैक्ट कब्जा करन दी कोशिश की अपने मैंबर वधा के तखत नांदेड़ साहब हजूर साहब की कमेटी के उत्ते। उहदा प्रोटेस्ट ऑल ओवर होया और सब तो वड्डा प्रोटेस्ट नांदेड़ साहब उत्थों दे सिख सभा ने और उत्थों की संगत ने किया और पूरे दुनिया के प्रोटेस्ट होया। लेकिन अज मैनू जो हुणे खबर मिली है, मेरी आर पी सिंह जो बीजेपी के एक सीनियर आगू ने उन्होंने गल हुई है, उन्होंने दो दफा फंडनवीस जेडे उत्थों दे डिप्टी मुख्यमंत्री ने और पहले मुख्यमंत्री रहे ने, उन्होंने आख्या कि असी जेड़ा कैबिनेट च पास किया सी उसनू हले असैम्बली च नहीं लैके जा रहे ताकि वह एक्ट ना बन जाए, असी उसनू होल्ड ते पा रहे हैं और अगे तो भी जेड़ी अमेंडमेंट अगर कोई करनी होगी, क्योंकि यह पहले हैदराबाद स्टेट का एक्ट सीगा, वो अपनी स्टेट का एक्ट बनाना चाहते हैं, अगर कोई अगे तो भी अमेंडमेंट करनी होगी तो सिखां दी मर्जी और सिखां दे नाल सलाह करके करांगे। मैं समझदा वा कि कौम ने जिस तरीके का पार्टियां तो उत्ते उठ के आपस दे इख्तलाफां तो उत्ते उठ के जिहड़ा ये प्रोटेस्ट किया, धामी साहब भी जिहड़े सीगे वह स्पैशल उत्थे पहुंचे ने प्रधान एस जी पी सी और अकाली दल वालों भी बहुत वड्डा प्रोटेस्ट होया सी, उहदा नतीजा कि संगत की जित हुई है, कौम की जित हुई है, फिलहाल ये रुक गया है।